Hi guys, this is Tawqeer Alam here. Today we are going to learn how to pronounce letter SC. Friends, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि SC का साउंड क्या होता है या SC का आवाज कैसे समझें। Friends, जैसा कि आप जानते हैं SC का दो आवाज होता है, पहला स और दूसरा अस्क। तो चलिए एक एक करके देखें कि कब आपको SC का आवाज स कहना है और कब आपको एससी का आवाज अस्क कहना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब एससी के बाद ई आई वाई हो तो एससी का आवाज स होता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी आया हुआ है और एससी के बाद ई आया है। तो जब एससी के बाद ई आता है तो एससी का आवाज स होता है, हम इसे कहेंगे सीम। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एससी आया है और एससी के बाद वाई आया है। तो जब एससी के बाद वाई आता है तो एससी का आवाज होता है स, हम इसे कहेंगे साइड। आप यहां देख सकते हैं एससी आया है और एससी के बाद आई आया है। तो जब एससी के बाद आई आता है तो एससी का आवाज होता है स, हम इसे कहेंगे साइंस। तो फ्रेंड्स, जब एससी के बाद ई आई वाई हो तो एससी का आवाज स होता है। आइए अगला रूल देखते हैं। जब एससी के बाद ए ओ यू हो या कोई कॉन्सोनेंट हो तो एससी का आवाज अस्क होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहां पर एससी लिखा है और एससी के बाद आया है यू। तो जब एससी के बाद यू आता है तो एससी का आवाज अस्क होता है, हम इसे कहते हैं रेस्क्यू। आप यहां देख सकते हैं यहां एससी आया है, उसके बाद आया है ओ। तो जब एससी के बाद ओ आता है तो एससी का आवाज होता है अस्क, हम इसे कहेंगे स्कोर। यहां एससी आया है और एससी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है। तो जब एससी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो एससी का आवाज होगा अस्क, हम कहेंगे स्क्रॉल। आप यहां देख सकते हैं एससी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, हम कहते हैं स्क्रीन। यहां भी एससी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, हम कहते हैं स्क्रैच। यहां एससी के बाद ए आया है और जब एससी के बाद ए आता है तो हम एससी का आवाज अस्क कहते हैं, यानी हम कहेंगे स्कैन। यहां भी एससी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है, इसलिए एससी का आवाज अस्क होगा, हम कहेंगे स्क्रिप्ट। यहां एससी के बाद यू आया है, तो जब एससी के बाद यू आता है तो एससी का आवाज अस्क होता है, हम कहेंगे स्कम। यहां एससी के बाद ए आया है, इसलिए हम इसे स्केल बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आया कि जब एससी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट हो तो एससी का आवाज अस्क होगा। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देखें। फ्रेंड्स, आइए एससी का लास्ट रूल देखें। जब एससी के बाद आई ई एन या आई ओ यू एस हो तो एससी का आवाज श होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं यहां पर एससी लिखा हुआ है और उसके बाद आई ओ यू एस आया हुआ है, तो यहां एससी का आवाज श होगा, इसे हम कहते हैं कासस। आप यहां देख सकते हैं यहां पर एससी लिखा हुआ है और एससी के बाद आया है आई ओ यू एस, इसलिए इस वर्ड का आवाज होता है लशस। आप यहां देख सकते हैं यहां एससी लिखा है और एससी के बाद आई ई एन आया है। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर एससी के बाद आई ई एन आए तो एससी का आवाज श होता है और इसका आवाज है कॉन्शस। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आया कि अगर एससी के बाद आई ई एन या आई ओ यू एस हो तो एससी का आवाज श होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेसन समझ में आया तो बताएं यहां एससी का आवाज क्या है, मतलब क्या यहां एससी का आवाज स या अस्क या श है। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे अभी शेयर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और उनका नाम है आफरीन अंजुम। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि लेटर जी का आवाज कभी ज और कभी ग होता है, तो
तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है, कैसे समझें कि लेटर जी का आवाज कब ज होगा और कब ग होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जी लेटर का साउंड बताऊंगा, ताकि अगर आप जी लेटर के साउंड में कंफ्यूज रहते हैं तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब जी के बाद ई आई वाई हो तो जी का आवाज ज होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहां पर मैंने जी लिखा है और जी के बाद आया है ई। तो फ्रेंड्स, जब जी के बाद ई आता है तो जी का आवाज ज होता है, इसे हम कहते हैं एज। आप यहां देखें फ्रेंड्स, यहां पर मैंने जी लिखा है और जी के बाद आया है आई, इसलिए इसे हम कहेंगे जिस्ट। यहां मैंने जी लिखा है और जी के बाद आया है वाई। तो जब जी के बाद ई आई वाई तीनों में से कोई हो तो जी का आवाज ज होता है, इसे हम कहते हैं जिमनास्ट। आप देख सकते हैं यहां मैंने जी लिखा है और जी के बाद आया है ई, इसलिए हम इसे कहेंगे जेंडर। इसे हम कहेंगे जर्म, क्यों? क्योंकि जी आया है और जी के बाद यहां आया है ई। इसे हम कहते हैं जेंटलमैन, क्यों? क्योंकि यहां पर जी आया है और जी के बाद ई आया है। इसे हम कहते हैं जिंजर, क्यों? क्योंकि यहां पर जी आया है और उसके बाद आई आया हुआ है, यहां पर भी जी आया है और जी के बाद ई आया है। यहां गौर करें, यहां जी है और जी के बाद ई है, इसलिए हम कहेंगे जल, और यहां जी आया हुआ है और जी के बाद ई है तो हम कहेंगे चेंज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आया कि जब लेटर जी के बाद ई आई वाई तीनों में से कोई रहे तो जी का आवाज ज होता है। फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा कि जब जी के बाद ई आई वाई तीनों में से कोई हो तो जी का आवाज ज होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस नियम के एक्सेप्शन हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां जी के बाद ई आई या वाई आता है लेकिन जी का आवाज ज नहीं होता है, बल्कि जी का आवाज ग होता है। इस बात को हमें केयरफुली समझना होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर जी आया है और जी के बाद आया है आई, तो अगर हम रूल की माने तो ये होना चाहिए बीजिंग, लेकिन यह एक एक्सेप्शन है, यहां जी का आवाज ग होता है, इसे हम कहेंगे बिगिन। यह है गेयर, यह है हंगर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जी के बाद ई आया है, फिर भी हम जी का आवाज यहां ज नहीं बल्कि ग करेंगे। इसे हम कहते हैं गीव, इसे हम कहते हैं फिंगर, लिंगा, गिव, जीगल, गर्ल, गेट, गिर्थ, टारगेट। तो फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स को आप खास तौर पे याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और इनमें से कोई एक वर्ड बोलकर कहते हैं कि यहां जी का आवाज क्या होगा। फ्रेंड्स, जब जी के बाद ए ओ यू या कोई भी कंसोनेंट हो तो जी का आवाज ग होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां जी आया है और जी के बाद आया है यू, तो यहां जी का आवाज ग होगा, हम इसे कहते हैं गन। आप देख सकते हैं यहां पर जी आया है और जी के बाद एक कंसोनेंट आया है, तो इस कंडीशन में जब जी के बाद कोई कंसोनेंट आ जाए तो जी का आवाज ग होता है, हम इसे कहते हैं मिंगल। आप देख सकते हैं यहां पर जी मैंने लिखा हुआ है और जी के बाद ए आया है, तो जब जी के बाद ए आए तो जी का आवाज ग होता है, इसे हम कहते हैं मेगा। यहां देखिए, जी के बाद ए आया हुआ है इसलिए हम कहेंगे गैंग। यहां जी के बाद ए आया हुआ है इसलिए हम कहेंगे गैदर। यहां जी के बाद एक कंसोनेंट आया हुआ है इसलिए जी का आवाज होगा ग, क्यों? क्योंकि जब जी के बाद कंसोनेंट आता है तो जी का आवाज ग होता है। यहां जी के बाद आया है ए इसलिए हम इसे कहेंगे गैप। यहां जी के बाद आया है ए इसलिए हम इसे कहेंगे गार्डन। यहां जी के बाद आया है ए इसलिए हम कहेंगे गैज। यहां जी के बाद आया है आर यानी एक कंसोनेंट, इसलिए यहां जी का साउंड ग होगा। यहां जी के बाद आया है यू इसलिए हम जी का आवाज ग करेंगे, हम कहेंगे गल्फ। यहां जी के बाद ओ आया हुआ है तो इसलिए यहां जी का आवाज होगा ग, हम कहेंगे गोल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा है कि जब लेटर जी के बाद ए ओ यू या कोई कंसोनेंट हो तो लेटर जी का आवाज ग होता है। फ्रेंड्स,
डबल जी का आवाज हमेशा ग होता है, जैसे डैगर, स्वैगर, रैग्ड, ट्रिगर। तो जब कहीं डबल जी आया हो तो आप बिना लेट किए डबल जी का आवाज ग बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई में आपको यह लेसन समझ में आया तो फिर आप मेरे दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन दोनों वर्ड्स का क्या आवाज है, यानी यहाँ जी का क्या आवाज है। और आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक यहाँ पर जी आया हुआ है, फिर डबल जी आया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका क्या आवाज है। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा।